वेलकम टू गौरचा रिव्यूज, जहां हम देखते हैं शॉपिंग के रिव्यूज। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक कुर्ता सेट का रिव्यू जो है अनॉक ब्रांड से। और इस कुर्ता सेट में मुझे कुर्ता, उसका ट्राउजर एंड दुपट्टा, इस तरीके से तीनों का कॉम्बो रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रांड के बारे में बता दूँ, ये अनॉक ब्रांड का है, ये मिंत्रा का ब्रांड है, ये एक इंडियन ब्रांड है। और जैसे कि मैं हमेशा आपको रेकमेंड करती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, तो आप इस ब्रांड को भी ज़रूर प्रेफर करें ताकि हम वोकल फॉर लोकल प्रमोट कर सकें। इसकी जो डिज़ाइनर है ये मसाबा गुप्ता है, और इसका जो टाइटल दिया हुआ है मिंत्रा पे वो है अनॉक मस्टर्ड येलो एंड गोल्डन वुमन डिज़ाइन कुर्ता ट्राउज़र एंड दुपट्टा। इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी यूनिक, अट्रैक्टिव और एक फेस्टिव फीलिंग देगा, ऐसा कॉम्बिनेशन है मस्टर्ड येलो और नेवी ब्लू कलर का, और इसके ऊपर गोल्डन वर्क भी है। इसका प्राइस है 3999, मतलब MRP है 3999, और डिस्काउंट के बाद ये मुझे 2599 में रिसीव हुआ है। मिंत्रा पे जो रेगुलर डिस्काउंट होते हैं उसी में मैंने इसे परचेज़ किया है। अब हम कुर्ते का फैब्रिक देखते हैं, तो इसमें है 99% पॉलिस्टर और 1% अदर फाइबर। अदर फाइबर क्या है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, और पूरे कुर्ते में ये शीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर ये शाइन कर रहा है। और कुर्ते का और इसके जो ट्राउज़र का मटेरियल एग्जैक्ट सेम है। कुर्ते के अंदर यहाँ लाइनिंग दी हुई है गोल्डन कलर की, और ये आपको अपर थाई तक आएगी, ऐसी इसकी लेंथ है। और इसका फैब्रिक है 100% कॉटन। ये है कुर्ते का ट्राउज़र, ये भी सेम गोल्डन कलर का है, और इसका फैब्रिक 100% पॉलिस्टर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने कुर्ते में 1% अदर फाइबर का है वो उसके अंदर जो गोल्डन बूटे हैं उसके कारण है। और ये ट्राउज़र है, मतलब आपको एंकल लेंथ तक ये आएगा। अब मैं आपको कुर्ते का दुपट्टा दिखा देती हूँ। तो ये नेवी ब्लू कलर का दुपट्टा है, नेट का ये दुपट्टा है, और इसमें इस तरीके से पूरा बॉर्डर दिया हुआ है, जिसमें टिकली वर्क वगैरह जो कहते हैं उस तरीके से पूरा बॉर्डर है। बहुत अच्छी फिनिशिंग तो नहीं है, बट ठीक दी हुई है, मतलब कुर्ते के मुकाबले दुपट्टा इतना खास नहीं है। अब हम कुर्ते का स्टाइल देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको नेक लाइन दिखा देती हूँ। इसका जो नेक है ये सिंपल मैंडरिन कॉलर है, और नीचे इस तरीके से 3 हुक्स दिए हुए हैं, और पूरे कुर्ते पे गोल्डन कलर के बूटे बने हुए हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ यहाँ, और यही बूटे हमें कुर्ते के स्लीव्स पे और बैक साइड पे भी मिलेंगे। ये बूटे अंदर से कैसे हैं वो आपको मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके से दिखते हैं, और ये इजीली निकलेंगे नहीं और फंसेंगे भी नहीं, ऐसा इसका पैकिंग दिया हुआ है बैक साइड से। कभी कभी क्या होता है कि इन बूटों में वो एक ही थ्रेड यूज़ करते हैं, उसके कारण वो अटकने की शंकाएं ज़्यादा होती हैं और वो टूट जाता है, तो वैसा इसमें नहीं होगा। कुर्ते की लेंथ यहाँ काफ़ी अच्छी दी हुई है, तो अगर आपकी हाइट 5'3" और 5'6" के बीच में है तो ये आपको आराम से काफ़ लेंथ तक आएगा। और इसमें 3/4 स्लीव्स दी हुई हैं, और स्लीव्स के कफ्स में एंड में इस तरीके से कैनवास लगाया हुआ है, और इसका फैब्रिक प्लेन है। ये है कुर्ते का ट्राउज़र, और इसमें कोई पॉकेट नहीं दिया हुआ है, और साइड में जिप भी नहीं है। पीछे की तरफ इन्होंने इलास्टिक दिया हुआ है, और काफ़ी ब्रॉड और अच्छा इलास्टिक है, आगे की साइड पे कोई इलास्टिक नहीं है। अब मैं आपको क्विकली ट्राउज़र का व्यू दिखा देती हूँ पूरा। ये है कुर्ता सेट का दुपट्टा नेवी ब्लू कलर का, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे इसका क्वालिटी ओके लगा। इसके ऊपर जो जरी वर्क है वो थोड़ा ज़्यादा येलो है, कुर्ते के मुकाबले बहुत ही नॉर्मल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुपट्टे का क्वालिटी अच्छा रहता तो पूरा कुर्ता सेट और भी ग्रेसफुल लगता। अब हम कुर्ते का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मैंने इसे मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया था, जो कि था 36 बस्ट एज़ पर मेजरमेंट चार्ट। तो यहाँ पे ये आ रहा है टोटल 19 इंचेस, तो 19 × 2 दैट इज़ 38 इंचेस, तो जो उन्होंने मेंशन किया हुआ था उससे ये 2 इंचेस लूज़ है। अब हम कुर्ते की हाइट देख लेते हैं। कुर्ते की स्टाइलिंग में मैं आपको 2 चीज़ें बताना भूल गई। पहला ये है कि इसके बीच में इस तरीके से स्लिट दिया हुआ है फ्रंट में, इस तरीके से ये ओपन होता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे बस्ट लाइन पे इन्होंने स्टिच दिया हुआ है, जिससे फिटिंग बहुत अच्छा बैठता है। इन्होंने पीछे भी इसी तरीके से टक्स दिए हुए हैं, जिससे भी वेस्ट लाइन पे फिटिंग बहुत अच्छा बैठता है। कुर्ते की यहाँ टोटल हाइट आ रही है 49 इंचेस, तो काफ़ी लंबा कुर्ता है ये।
अब हम ट्राउज़र का हाइट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ रहा है टोटल 38 इंचेस। जनरली जो सलवार हम ख़रीदते हैं उसका फ्री साइज़ लेंथ होता है 40 इंचेस, तो उससे ये यहाँ पे 2 इंचेस शॉर्ट है। अब हम दुपट्टे का साइज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट जानबूझकर सेंटीमीटर में बता रही हूँ, क्योंकि जनरली हम दुपट्टे मीटर या सेंटीमीटर में ही ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे ये आ रहा है 102 सेंटीमीटर, दैट इज़ 204 सेंटीमीटर टोटल। तो मतलब ये 2 मीटर से थोड़ा सा लंबा है। जनरली दुपट्टे 2.25 मीटर के आते हैं, उससे ये थोड़ा छोटा है। और इसका जो विड्थ है ये भी काफ़ी लंबा दिया हुआ है यहाँ ने, तो वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, मेरा रिकमेंडेशन, आप इस कुर्ती को किसी भी फेस्टिवल पे, ओकेजन पे, पूजा पे पहन सकते हैं। इसका जो दुपट्टा है वो भी नेवी ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का नहीं है। और पूजा में या फिर किसी भी स्पेशल ओकेजन में हम ब्लैक कलर अवॉइड करते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी इस कुर्ता सेट के साथ नहीं आएंगी। और अगर आपकी हाइट है 5'2" से लेकर 5'4" 5'5" के बीच में, तो आप इसे किसी भी हील्स के साथ पहन सकते हैं। और अगर आपकी हाइट उससे ज़्यादा है, 5'5" से ज़्यादा है, तो आप किसी भी फ्लैट्स या मोजड़ीज़ के साथ इसे पेयर कर सकते हैं। इसका जो दुपट्टा है उसका क्वालिटी ओके है, तो आप किसी भी अलग से बनारसी दुपट्टे के साथ इस कुर्ते को टीम अप कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ग्रेसफुल लगेगा। कुर्ते का मैंड्रिन कॉलर होने के कारण अगर आप इसे किसी भी हैवी ब्रेसलेट के साथ या बड़ी झुमकीज़ या इयररिंग्स के साथ पेयर करेंगे, तो ये कुर्ता सेट काफ़ी सच के आएगा। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।